पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल, उसमें पाई जाने वाली गैसों के अनुपात और उसकी उपयोगिता के बारे में जाना। आज हम वायुमंडल की संरचना और उसके विभिन्न स्तरों पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल को धरती के चारों ओर सुनिश्चित दूरी पर बनाए रखने व इसकी संरचना में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी से धरातल की ऊंचाई की ओर बढ़ने पर जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आती जाती है, ठीक इसी के परिणाम स्वरूप हमारा वायुमंडल भी अधिक घनत्व से कम घनत्व वाला होता जाता है और इसी आधार पर वायुमंडल को 5 भागों या परतों में बांटा गया है, जिसमें पहली परत है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, दूसरी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मध्य मंडल या मेसोस्फेयर, चौथी आयन मंडल या थर्मोस्फेयर और पांचवी बहिर्मंडल या एग्जोस्फेयर। वायुमंडल की ये 5 परतें धरातल से लेकर ऊंचाई की ओर कई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जिनमें वायुमंडल का 50% हिस्सा 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि इसका 75% हिस्सा 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 99% भाग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक समाप्त माना जाता है। आइए अब हम वायुमंडल की इन 5 स्तरों के बारे में एक एक करके जानते हैं। वायुमंडल की पहली और सबसे भीतरी परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। हमारे वायुमंडल के समस्त भारी गैसें व जल वाष्प के अधिकांश भाग की उपस्थिति मिलकर इस परत को सबसे घनी व वजनदार बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण वायुमंडलीय द्रव्यमान का 80% हिस्सा यही उपस्थित होता है। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक अर्थात 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम अर्थात 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। अर्थात पृथ्वी की सतह से लेकर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक यह परत फैली हुई है। मुख्य रूप से जल वाष्प की अधिकांशता के कारण समस्त वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा, चक्रवात, तूफान, कोहरा आदि क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं और इसी कारण यह पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र और जैव मंडल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मौसमी परिवर्तनों के होते रहने से ही इस मंडल को संवहन या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विभिन्न चरणों और रासायनिक चक्रों के द्वारा पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर का तापमान करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहता है। इस मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई की ओर बढ़ने पर प्रति 165 मीटर के अंतराल पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी दर्ज की जाती है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण तापमान में भी कमी आने लगती है। क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग में जेट वायुधारा बहती है। समतापमंडलीय स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल की दूसरी परत है, जिसका विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर करीब 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। ध्रुवों पर इसकी शुरुआत जहां 8 किलोमीटर से है, वहीं भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर से, जबकि अक्षांशों पर 10 किलोमीटर से शुरू होती है। समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि की विशेषता पाई जाती है, जहां प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में इस वृद्धि का कारण इस परत में ओजोन परत का पाया जाना है, जिसका फैलाव करीब 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है और इसी कारण समतापमंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन परत जहां 15 से 35 किलोमीटर तक अधिक घनी है, वहीं 35 से 50 किलोमीटर तक यह विरल होती जाती है, जबकि इसके विपरीत स्ट्रेटोस्फेयर की निचली परत में तापमान में स्थिरता पाई जाती है। यहां मौसमी घटनाओं के न होने के कारण यह स्तर अपेक्षाकृत शांत होता है और इसी कारण वायुयानों को इसी क्षेत्र में उड़ाया जाता है। मूलाभ मेघ अथवा मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स वायुमंडल की इसी परत में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। वायुमंडल की तीसरी परत को मध्यमंडल या मेसोस्फेयर कहते हैं, जिसका फैलाव 50 किलोमीटर से लेकर करीब 80 किलोमीटर तक माना गया है। मेसोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आने लगती, जो कि इसकी ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस तरह से देखा जाए तो यह धरती और वायुमंडल को मिलाकर सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र बन जाता है। मध्यमंडल में ही उल्कापिंड या मीटियोराइट्स के गिरने की घटनाएं भी होती हैं। थर्मोस्फेयर या आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है, जिसे तापमंडल भी कहा जाता है।
इसका फैलाव 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। इस परत में विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति होने के कारण इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। यहाँ उपस्थित विद्युत आवेशित कण रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए थर्मोस्फीयर, रेडियो संचार सुविधाओं व राडार जैसी तकनीकों को बेहतर तरीके से चलाने में मददगार होता है। और अब अंत में वायुमंडल की सबसे आखिरी परत बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर आती है, जिसका फैलाव 640 किलोमीटर से शुरू होकर अंतरिक्ष की शुरुआत तक माना जाता है। इसी कारण इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस परत की विशेषता इसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैसों की उपस्थिति है। बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर ही वह परत है जिसमें उपग्रहों या सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाता है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।